चौथा भाव और उसकी तीसरी और से चौथी छठी आयत तक, और मास्टर डैनिश जो है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं उर्दू में पढ़ूंगा. सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्सेस 3 टू 6. And even in our gospel is will, it is will to those who are perishing. Verse 4 says, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. Verse 5, for what we preach is not ourselves, as your servant for Jesus' sake. Verse 6 says, for God who said, let light shine out darkness, made his light shine in your heart to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Amen. I am Khulawad ke Zinda Patlaam ko Urdu mein padhenge. दूसरा ग्रंथी है उसका चौथा भाव और उसके तीसरी से छठी आयत तक. और अगर हमारी कुछ कभी पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े. क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारी गुलाम है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमकाता है कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवा गर हो. खुदावंत के जिंदा पाक नाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो. आमेन. हालेलुया. 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 बिफोर आई विल गो टू द टॉपिक फॉर आवर प्रीचिंग टुडे, ये मैं कलाम सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ. आई वांट टू टॉक अबाउट द थ्री थिंग्स. आई वांट टू टेल और आई वांट टू शेयर अबाउट, मैं आप सबके सामने तीन बातों की वजाहत करना चाहता हूँ. मगर उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज द टाइटल टुडे, क्या हमारा टाइटल आज का, लेट्स गॉड लाइट शाइन इन आवर हार्ट, के खुदावन का नूर हमारे दिलों में चमके. हालेलुया. सब बोले खुदा का नूर हमारे दिलों में चमके. हालेलुया. Amen. Amen. I want to talk about trees, fish, and human being. Fish, tree, and human being. के तीन चीजों की वजाहत करना चाहते हैं, मछली, दरख्त और इंसान के बारे में आज भाई पास्टर डैनिश जो है वो आज कलाम सुनाएंगे. If we plant a tree in a soil, जब हम दरखेज जमीन में दरख्त को उगाते हैं, it bears more fruit and it is grown up very fast. कि वो दरख्त जो है वो एक दरख्त बनता है और बहुत सी फसल और फल लाता है. And if we see the fish, और जब हम मछली को देखते हैं, when fish lives in the water, it live or it is become alive. जब मछली पानी में होती है तो वो जिंदा रहती है. And now I want to say that when we pull out a tree from the soil, जब हम किसी दर को जमीन से उखाड़ डालते हैं, he's died, he's no more bearing a fruits. ये वो दरख्त मर जाता है, सड़ जाता है और फल नहीं ला सकता. And has the same way, if we will get fish out of the water, it is died. If हम अगर हम
मछली को पानी से निकाल लेते हैं तो मछली जिंदा नहीं रहती बल्कि मर जाती है. And the same it's happened with a human being. और इसी तरह इंसान के साथ भी होता है. If we will leave out of the word of God, we are died. जब हम खुदावंद के पाक कलाम से दूर होते हैं, बाहर होते हैं और उसके काम को नहीं जानते समझते तो हम मुर्दा होते हैं. Without the word of God, we cannot survive even a single moment in our life. ये खुदावंद के पाक कलाम के ना होने से हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते. That's why today we will going to learn, let God's light shine in our heart. कि आज हम ये खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे कि खुदावंद का नूर हमारी जिंदगी हमारे दिलों में चमके. हालेलुया. आमीन. आमीन. Because when the light of God shines in our heart, it will open our eyes, we open our mind and we listen God's word very carefully. कि खुदावंद का कलाम जब हम सुनते हैं, जब हम खुदावंद में कायम रहते हैं तो खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी को उजागर करता है. उसका नूर जो है वो हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे दिलों को नूर की तरफ, रोशनी की तरफ लाता है. हालेलुया. आमीन. First thing I want to talk about, people are perishing. पहली चीज जो मैं बयान करना चाहता हूं कि लोग जो हैं वो क्या सजा पाते हैं, लोग क्यों सजा पाते हैं. We will see the verse 3-4. के हम तीसरी और चौथी आयत को जब पढ़ते हैं. And even in our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तीसरी और चौथी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों के जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े. हालेलुया. आमीन. Will mean the people do not believe in God. के लोग खुदावंद को नहीं मानते, उससे बहुत दूर हैं. Because they are blinded by the devils. के वो शैतान की वजह से उनकी आंखें बंद हैं, वो खुदा के जलाल को देख नहीं सकती. They cannot see what is right and what is wrong in their life. के वो इस चीज को नहीं जानते कि वो क्या ठीक है और क्या गलत है. They are just blinded by their eyes. वो सिर्फ अपनी आंखों से खुदा के जलाल से महरूम हैं. You know, when someone is blind and he will walk on along the highway, he will get accident easily. जब कोई अंधा है और वो रास्ते पर चलता है तो वो आसानी के साथ किसी हादसे का शिकार हो सकता है. Because he cannot see what is going on in the world. क्योंकि वो इस चीज को नहीं जानता, वो देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है. The same way the unbelievers and even sometimes we believers, we also get blinded. के हम जानते हैं कि कभी कभी जो बेईमान है वो खुदा के इस जलाल से, नूर से महरूम है, हालांकि जो ईमानदार हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के जलाल से जलाल को देख नहीं सकते, अंधे हैं. Because the devil, the Satan has blinded their eyes and their minds. क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को, उनके दिमाग को अंधा कर दिया है कि वो खुदा के नूर को देख नहीं सकते. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. It is because Satan has used money to blind their eyes. शैतान ने उनको दौलत के वसीला से, नोटों के वसीला से उनकी आंखों को बंद कर दिया है. वो इस दुनिया के ऐश्वर्य को पसंद करते हैं और खुदा के जलाल को देख नहीं सकते. Satan has used the power, the politics, the religions and the
से शैतान ने इस दुनिया की ऐश ऐशियत के वसीला से, इस दुनिया की ऐश, इस दुनिया की अच्छी अच्छी बातों के वसीला से उन लोगों को अंधा कर दिया है कि वो खुदा की रोशनी में ना चल सके. So that this is the how Shaitan has blinded their eyes, so the people cannot see the light of God and the glory of Christ, who is the image of God. ये इसी वजह से शैतान ने लोगों को अंधा कर दिया है कि वो खुदा के जलाल को, खुदा यीशु मसीह की शख्सियत को जान ना सके और इस दुनिया की ऐश्वर्य में पढ़कर खुदा को भूल जाएं. I am not here standing that I am going to preach with you. I am not the one who preach with you. Preaching. Who is preaching? I am not the one who is preaching. कि मैं नहीं कर मैं खुदा का कलाम आपके सामने बयान कर रहा हूँ. This is God Himself who used me as His instrument to talk with His people. ये खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा के रूह के वसीला से, खुदावंद के कलाम के वसीला से मैं आपसे आज कलाम कर रहा हूँ. Because it is says in verse 5, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ has the Lord with ourselves as your servant for Jesus' sake. कि पांचवें आयत में बताती है कि हम ये कलाम अपने लिए नहीं बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए करते हैं. आमीन. खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं ताकि आप उसकी रोशनी में चलें और अंधेरे से बच जाएं. आमीन. हालेलुया. दिस इज God's message for everyone. कि ये खुदा का पैगाम है जो आज हम सबके लिए है कि हमें खुदावंद की रोशनी में आना है, हमें उसके नूर में चलना है और उस अंधेरे से निकलना है जो शैतान ने हमारे सामने रखा है. The unbelievers are not without hope of listening the good news. कि जो बेईमान लोग हैं, जो ईमानदार लोग नहीं हैं, जो खुदा में यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, ये कलाम उनके लिए नहीं बल्कि ये सबके लिए है जो खुदा को मानते और नहीं मानते हैं. They still have the hope to listen the word of God. They still have the hope to hear what the word of God speaking to them. They still have the hope to hear the good news. They still have the hope to receive the salvation of Jesus Christ. And you can translate. दे उनके लिए अभी तक ये वक्त है कि वो खुदावंद के कलाम को सुन सके, ताकि वो खुदावंद के कलाम पर अमल कर सके, ताकि वो खुदावंद के कलाम के वसीले से खुदा की उस बरकत को हासिल कर सके जो खुदावंद ने उनके लिए तैयार की है. छोटा बोलो भाई. आमीन. आमीन. The second point I want to talk with you today. और दूसरी बात जो आज आप सबके सामने बयान करना चाहता हूं, God's light shine in our heart. ये खुदावंद का नूर हमारे जिंदगी में चमके. हालेलुया. Let us see the verse 6. आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक नाम के छठी आयत को पढ़ेंगे. For God who said, let the light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. चलिए कहते हैं, इसलिए खुदा ही ने जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके और वो ही हमारे दिलों में चमकाता है कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवा घर हो. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. Let us see what is the God, the glory of God. क्या हम देखेंगे कि खुदावंद का जलाल क्या है जो हमारी जिंदगियों से चमके? Glory of God is equal to God's holiness. कि खुदावंद का जलाल जो है वो हमारी पाकीज़गी के वसीले से जाहिर होता है. Glory of God is His splendor. कि खुदावंद का जलाल जो है वो हमारी शख्सियत से जाहिर होता है. Glory of God is His majesty.
کہ خداوند کا جلال اس کی طاقت سے اس کے فضل سے ظاہر ہوتا ہے ہللویا ہللویا آمین نو ون ہیز سین دی گلوری آف گاڈ نو ون ایکسیپٹ موسیس کہ کسی نے بھی خدا کے جلال کو نہیں دیکھا صرف موسیٰ کے سوا بیکاز وین موسیس گو آؤٹ آف ایجپٹ کہ جب موسیٰ جو ہے وہ مصر سے اپنے لوگوں کو لے کے نکلتا ہے نو اٹس ناٹ اباؤٹ when he leave alone okay actually when جب وہ مصر کے دربار میں اس کے گھر میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کے رہتا ہے تو اسے گناہ ہو جاتا ہے اسے قتل ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے and he go to the mountain and he see the burning اور جب وہ ایک پہاڑ پر پہنچتا ہے تو وہاں ایک جھاڑی ہے جو جل رہی ہے and he hear the voice from there کہ اس نے وہاں خدا کی آواز کو سنا and he fall down in God's glory کہ وہاں اس نے خداوند کے جلال کو دیکھا کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اپنی جوتی کو اتار اور وہ سجدہ کرنے لگا then that is the time he saw the majesty of God اور اس وقت اس نے خداوند کے جلال کو اس کی طاقت کو اس کے فضل کو دیکھا and now we will see the apostle Paul's life کہ ہم خداوند کے بندہ پولس کے بارے میں بھی اس کی زندگی کے بارے میں بھی غور کریں گے before he became Paul کہ پول یعنی کہ پولس بننے سے پہلے وہ ساؤل تھا جو خداوند کے لوگوں کو پکڑواتا اور انہیں مارتا تھا and one day he was on his journey to Damascus کہ جب وہ دمشق کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہ مسیحی لوگوں کو پکڑے and on his way the glory of God comes upon him and the light shine on his eyes کہ اس وقت جب وہ سفر کو جا رہا ہے تو خدا کا جلال اس کی زندگی اس کے اوپر پڑھا اور وہ بلائنڈ ہو گیا وہ نابینا ہو گیا and after he got healed اور جب اس نے بینائی کو واپس خداوند کے فضل سے پا لیا then he left the light that of Jesus Christ shine to other people تب اس نے خداوند کی اس روشنی کو اس نور کو دوسری قوموں تک پہنچایا تاکہ وہ اندھیرے میں نہ رہے بلکہ خداوند کے فضل اور اس کے جلال اور اس کے نور میں زندگی کو بہتر کر سکے He preached to the thousands, millions, billions people کہ اس نے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو خداوند کا پاک کلام سنایا And many people turned away their life through his preaching اس کی کلام کے وسیلہ سے اس کی منادی کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا اور اس اندھیرے سے روشنی کی طرف Why it's happened یہ کیسے ممکن ہوا Because he let God's light shine in his heart کیونکہ اس نے خداوند کے اس نور کو اپنایا جو خداوند کا نور اس پر چمکا تھا When we receive the light of God in our heart جب ہم خداوند کے نور کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں then God will do great things through us تب خداوند ہماری زندگیوں سے عجیب و غریب کام کرتا ہے Hallelujah Amen Hallelujah Amen Amen We all have seen the glory کہ ہم سب نے خداوند کے اس جلال کو دیکھا ہے By God's grace through the gospel کہ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے اس خداوند کے جلال کو خداوند کے اس نور کو دیکھا ہے He shine in our heart because of his grace کہ خداوند نے اپنے فضل کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو نور کی طرح روشن کیا ہے آمین The need of God oneself is being blind again کہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ سے اندھے ہو جائیں تو اس کے جلال میں اپنی زندگی کو بسر کریں He wants us to live continually into the light وہ چاہتا ہے کہ ہم روشنی میں
नूर में रहकर हम खुदावंद के साथ साथ चलें. आमीन. आमीन. The third point I want to share with you today. क्या मैं तीसरी चीज जो आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ? The purpose of God's light. के खुदावंद की रोशनी का मकसद क्या है? Let us open the book of Matthew chapter 5 verses 14 to 16. खुदावंद के जिंदा पाकलाओं को मेरे साथ खोलें मत्ती की अंजील और उसके पांचवा बाप. उसका पांचवा बाप 14 to 16. उसकी 34 से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे. It is written here, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify the Father in heaven. Amen. खुदावंद के जिंदा पाक नाम को मेरे साथ खोलिए मत्ती के इंजील उसका पांचवा बाब उसकी 14-16 आयत तक. तुम दुनिया के नूर हो. जो पहाड़ शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर के पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे खुदा घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है. इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने नहीं चमके ताकि वो तुम्हारे नए कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें. आमीन. 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 When the light burns, we need to keep it on the stand, the lamp stand. जब चिराग को जलाया जाता है तो उसे लैंप की जगह पर रखा जाता है ताकि उस घर को उस कमरे को पूरी पूरी रोशनी मिल सके. For example, if I will turn off all the lights of this hall, it become dark. कि अगर मैं इस कमरे की और इस हॉल की तमाम लाइटों को बंद कर दूं तो यहाँ क्या होगा जी? अंधेरा हो जाएगा. We cannot see even each. We cannot see each other. We cannot see anything in this room. कि हम किसी चीज को देख नहीं सकेंगे और ना एक दूसरे को देख सकेंगे कि हम कहाँ कहाँ बैठे हैं. हम क्या कर रहे हैं? Because it's dark. क्योंकि अंधेरे की वजह से. That's why we need to put lamp on stands. इसी वजह से हमें लाइटों को जलाना है. उस लैंप को हमने लैंप की जगह पर रखना है. So that the light can lead us our path onto the right side. ये रोशनी हमें अच्छे अपने सही रास्ते की तरफ हमें लेकर जाए ताकि हम धोखा या किसी वो ना मेरी के अपने रास्ते से निकल ना जाए. That's why King David says in the Psalms 119. कि इसी तरह खुदावंद का बंदा ज़बूर की किताब में 119 ज़बूर में कहता है that I have kept your word in my heart so that I may not sin against you. ये कहता है कि मैंने तेरी बातों को अपने दिल में बसा लिया है कि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. When we keep the light of the word in our heart, we cannot sin against. कि जब हम खुदावंद की रोशनी को अपना लेते हैं अपने आप में रख लेते हैं तो हम खुदावंद के खिलाफ गुनाह नहीं करते. इसी तरह he says, your word has guided my steps. इसी तरह खुदा का बंदा में कहता है कि तेरा जो कलाम है वो मेरे रास्ते के लिए क्या जी नूर है मेरे को गाइड करता है. आमीन. आमीन. We have to keep this word in our heart. क्या हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को गाइड करना है इसके बातों पर अमल करना है ताकि हम रोशनी में चले. It's not just for ourselves light, but we need to let this light of the word to shine with our believers. रोशनी को नहीं बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी को उजागर करना है. हमें लोग तक पहुंचाना है ताकि जो लोग अंधेरे में बसते हैं वो रोशनी में आकर उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जो खुदावंद ने हमें दिए है. हालेलुया. हालेलुया. It is how we can let
light of God shine through us. कि हम कैसे खुदावंद की रोशनी को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकते हैं? It is the first thing is by our attitude. कि पहली चीज जो है वो अपने किरदार से, अपने attitude से हम किस तरह से लोगों से बातें करते हैं, हम किस तरह से मसीही होते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं. The second thing is according to the word of God. दूसरी चीज जो है वो हमें खुदा के कलाम के वसीला से, उसकी बातों के जरिए से हमें जानने के साथ. The third thing is by our deeds. तीसरी चीज जो है वो हमारी ख्वाहिशात के वजह से, कि हम किस तरह से अपनी ख्वाहिशात खुदावंद के आगे रखते हैं और खुदावंद हमें किस तरह से बरकत देता है. And the rest is the fruit of the Holy Spirit, the character of God. कि खुदावंद का रूह, जो खुदावंद के रूह के फल हैं, वो किस तरह से हमारी जिंदगियों से जाहिर होते हैं, हमारे करैक्टर से जाहिर होते हैं. This is how we can let the light shine to others. यही ऐसी बातें हैं जिसके वसीला से हम खुदावंद के जलाल को, उसके रूह को, उसके नूर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. If we keep the Spirit's fruit in our heart, जब हम खुदावंद के रूह के फलों को और उसके जलाल को, उसके नूर को अपनी जिंदगियों में बसाते हैं, then we can share the light of God. तब हम खुदावंद के नूर को, खुदावंद के जलाल को, खुदा के फजल को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. The fourth and the last point that I want to share with you today. तो चौथी चीज जो मैं खुदावंद के कलाम से आपके सामने बयान करना चाहता हूं, it is desiring the double portion of the Holy Spirit. ये खुदावंद का डबल दो हिस्से अपनी जिंदगियों में लेने के लिए हम कैसे खुदा से बरकत पा सकते हैं? आमीन. Let us see 2 Kings chapter 2 verse 9. दूसरा सलातें, 2 King chapter 2 verse 9. दूसरा साथ है तो उसका दूसरा बाप और उसकी verse 9. Okay. It is written here, when they had crossed, Elijah said to Elisha, tell me, what can I do for you before I take in from you? Let me inherit a double portion of your spirit. Elijah replied, Amen. खुदावंद का पाक कलाम दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत ऐसे कहती है, और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशता कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं. एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो. आमीन. You know why Elisha requested the double portion of anointing? ये खुदावंद के बंदे एलीशा ने एलिया से क्यों कहा कि मुझे दो गुना हिस्सा मिले दे? It is not because of his pride, his self glory. ये वो सिर्फ अपने जलाल के लिए नहीं, अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए उसने इस हिस्से को मांगा. Or a self ambition or whatever we can say, he never asked or request to Elijah to give him the double portion of the spirit of God. ये उसने अपने लिए नहीं खुदावंद के दूर ने इसे को मांगा, बल्कि उसने खुदा के जलाल के लिए इस दुनिया हिस्से को मांगा. He asked or he requests for the double portion of anointing to have the effectiveness as the successor of Elijah. कि वो खुदा के उस नाम को जलाल देने के लिए उसने दो हिस्से को मांगा, ताकि खुदा जैसे एलिया के साथ था उसी तरह खुदावंद एलीशा से खुदा के नाम को जलाल मिले. हालेलुया. हालेलुया. एलिशा डिजायर्ड द फेथफुलनेस टू डू द ग्रेटर वर्क फॉर द लॉर्ड्स ग्लोरी. के एलिशा जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उसने एलिया से दुगना हिस्सा मांगा, ताकि खुदा के नाम को जलाल हो सके. He desired the double portion of anointing to do God's work in his life.
कि वो खुदावंत के नाम को जलाल देना चाहता था अपनी जिंदगी से और उसने खुदावंत के इस दुगने पोर्शन को मांगा था कि वो नाम जो खुदा का खुदा के नाम को जलाल दे सके so that he can easily do the work of God कि वो खुदावंत का नाम को अच्छी तरह से आसानी के साथ उसके नाम को जलाल दे सके he can let the light shine to the unbelievers कि वो चाहता था कि खुदा का नूर जो है वो बेईमान और जो खुदावंत पर ईमान नहीं लाते उन तक पहुंचे और वो खुदा के जलाल को जान सके He wants to lift it up the name of the Most High God. कि वो खुदावंत जिस खुदावंत खुदा बाप को लोगों में जाहिर करना चाहता था. Because he has a great desire for God. कि उसके अंदर एक खुदावंत के लिए एक जस्तजू थी. वो चाहता था कि वो खुदा के नाम को जलाल दे. लोग जाने कि वो सच्चे खुदा के पैरकार हैं. हालेलुया. आमीन. आमीन. For the last, I just want to read the last passage for you. The book of John, chapter 1, verses 4 to 5. खुदावंत के जिंदा पाक कलाम को खोले यूहन्ना के इंजील उसका पहला बाब वर्स 4 टू 5 उसकी पहला बाब उसकी चौथी और पांचवी आयत हम पढ़ेंगे जी It is written, in him was life, and the life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. Now, यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंत का कलाम यूहन्ना के इंजील का पहला बाब उसकी चौथी और पांचवी आयत क्या कहती है और उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आत्मों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया आमीन आमीन If today we will not receive the light of this gospel कि अगर हम खुदावंत के इस कलाम के नूर को अगर आज हम नहीं जानेंगे then we doesn't have life in our hearts तो खुदावंत का नूर हमारी जिंदगी में नहीं चमकेगा because it talks about Jesus Christ क्योंकि ये खुदावंत यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है because the bible says in the chapter the book of John chapter 3 verse 16 it says that Jesus Christ comes to die on the cross to give us the eternal life. क्योंकि खुदावंत का जिंदा पाक कलाम हमें बताता है जब हम यूहन्ना के इंजील उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान ना आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए खुदावंत चाहता है हर एक जान जो इस दुनिया में है वो जिंदगी पाए और वो जिंदगी हमें खुदावंत के बादशाहत में मिलेगी हालेलुया आमीन आमीन दिस इज व्हाट गॉड डिजायर फ्रॉम अस ये खुदावंत की ख्वाहिश है जो वो हमसे चाहता है कि हम उसके नाम को जलाल दें और उसके नूर में चलें आमीन आमीन लेट अस प्रे आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें डियर अबा फादर कदोस जिंदा जलाली बाप यीशु वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे दैट यू हैव गिवन अस हम तेरा शुक्र चाहते हैं आज के दिन के लिए इस मौका के लिए दैट लॉर्ड वी हैव रिसीव्ड योर वर्ड टुडे हे खुदा बाप आज जब के हमने तेरी जिंदा पाक कलाम को सुना है लॉर्ड हेल्प अस टू कीप योर लाइट शाइन इन आवर हार्ट हे खुदा बाप यीशु हमारी मदद कर ताकि ये तेरा जिंदा पाक कलाम नूर की तरह हमारी जिंदगियों में चमके सो दैट वी मे ब्रिंग दिस लाइट टू अनबिलीवर्स हे मसीह बाप यीशु हम इस नूर को उन लोगों के तक जो अभी तक तुझ पर ईमान नहीं ला सके हम पहुंचा सके Because God only you have the power to change the people. क्योंकि खुदावंत बाप यीशु तेरे यीशु नाम में ताकत है तेरे यीशु नाम में कुवत है और तू लोगों को बदल डालता है Lord help each and everyone here today. खुदावंत बाप यीशु हम सबको बरकत अता कर जो आज यहाँ इकट्ठा है Bless our church. खुदावंत यीशु बाप हमारे चर्च को बरकत दे And bless each and everyone और हम सबको अपने यीशु नाम के वसीले से बरकत अता दिस ऑल आई आस्क इन जीसस नेम मैं सब कुछ मांगता हूं प्यारे यीशु मसीह के नाम से आमेन थैंक यू वेरी मच ब्रदर पास्टर